हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आज बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने क्या संकेत दिए हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। अगर आपको याद हो, रवि शास्त्री ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आईपीएल 2020 डिसाइड करेगा MSD का फ्यूचर। अब रवि शास्त्री ने एक नया स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट काफी कुछ पिक्चर को क्लियर करता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जिस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ था। और रवि शास्त्री का जो स्टेटमेंट आया है उससे एक बात क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, 2020 में यानी कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मेट यानी कि T20 फॉर्मेट को खेलते हुए MSD नजर आ सकते हैं। क्या खास बात कही रवि शास्त्री ने जिससे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि धोनी सिर्फ अब एक फॉर्मेट में नजर आ सकते हैं और वो फॉर्मेट होगा सबसे छोटा फॉर्मेट यानी कि T20 का फॉर्मेट। लेकिन मैं आपको रवि शास्त्री का स्टेटमेंट बताता हूं जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। रवि शास्त्री से जब धोनी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धोनी लंबे वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और वनडे इंटरनेशनल से वो संन्यास ले सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ रवि शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि उनकी इस उम्र में रवि शास्त्री को लगता है कि T20 ही एक ऐसा फॉर्मेट बचा है जिसे वो खेलना जारी रखेंगे। इसका मतलब अब उन्हें खेलना शुरू करना होगा, वो IPL में खेलेंगे और हम देखेंगे कि उनका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। वर्ल्ड कप 2019 जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, उसका सेमीफाइनल मुकाबला आपको याद होगा, धोनी जब तक क्रीज पर थे सबको लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को जीत लेगा न्यूजीलैंड से और फाइनल का टिकट भी हासिल कर लेगा। लेकिन जैसे ही धोनी रनआउट हुए, भारतीय पारी वहां पर थम गई, भारत वो मुकाबला हार गया था और उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर नजर नहीं आए हैं। आर्मी की ट्रेनिंग करते हुए वो नजर आए, अब तो हाल फिलहाल में हमने उनके वीडियो देखे उनकी बेटी जीवा के साथ, बर्फबारी का मजा वो ले रहे थे मसूरी में जाकर। लेकिन क्रिकेट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी कब मैदान में आएंगे ये कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी। जब धोनी से इसके बारे में पूछा गया था तो धोनी ने कहा था कि जैन 2020 के बाद उनसे ये सवाल पूछा जाए। अब जनवरी लग चुका है, कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद शायद महेंद्र सिंह धोनी इस पिक्चर को क्लियर करेंगे। लेकिन कोच जो है रवि शास्त्री वो इस पिक्चर को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जैसी उम्र महेंद्र सिंह धोनी की हो चुकी है 37-38, शायद वहां पर उनको सिर्फ एक ही फॉर्मेट रास आए और वो होगा 2020 का फॉर्मेट यानी कि 20 ओवर की गेम। और धोनी के जिस तरीके से इंडिकेशंस उनको मिल रहे हैं या कोच के साथ उनकी बात हुई हो या कप्तान के साथ जो बात हुई हो उससे ये बात निकल कर आ रही है कि शायद वनडे क्रिकेट को धोनी अलविदा कह देंगे। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या धोनी अक्टूबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया में जो कि T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे, तो इसके बारे में भी एक इंडिकेशन जरूर रवि शास्त्री के इंटरव्यू से मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब वो IPL में खेलेंगे तो फिर देखा जाएगा कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है यानी फिजिकली वो कितने फिट हैं, उनकी फिटनेस कैसी है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। अभी अगर देखा जाए जो कि सेलेक्टर्स का भी प्लान रहा है, जो कि टीम मैनेजमेंट का भी थिंक टैंक रहा है कि ऋषभ पंत जो हैं वो फ्रंट लाइन आपके विकेट कीपर हैं, नंबर वन विकेट कीपर हैं, तो अगर ऋषभ पंत नंबर वन विकेट कीपर नहीं होंगे इस दौरान, अगर उनकी परफॉर्मेंस कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखाती है और धोनी की परफॉर्मेंस IPL में अच्छी रहती है तो धोनी जो होंगे वो भारत के नंबर वन विकेट कीपर होंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा IPL 2020 के बाद, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 29 मार्च से 24 मई तक ये चलेगा और यही इंडिकेशन रवि शास्त्री के बयानों से भी आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज़ स्टेट के नाम से हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का पेज है, लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं।